हेलो प्यारे बच्चों, बेटा लास्ट टाइम हमने करंट के बारे में डिस्कस किया था कि करंट जो है वो क्या होता है, करंट कैसे इंड्यूस होता है, करंट के डायरेक्शंस क्या है, करंट की यूनिट क्या है, वो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। आज हम बेटा करंट पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए देखते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है बेटा, देखिए क्या है स्टेटमेंट। ए पॉलीथीन पीस रब विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3×10⁻¹ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। कह रहा है कोई भी पोलिथीन का पीस है हमारे पास, वो रब किया है किसके साथ, वूल के साथ, तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास कितना डेवलप हुआ है वहाँ पर, 3×10⁻¹ कूलम। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कह रहा है कि जब हमने रब किया है तो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप ये समझिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आए तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही तो बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा या टोटल चार्ज बताएगा किसी भी बॉडी पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास चार्ज गिवन है, चार्ज हमारे पास गिवन है, ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पूछा है। ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या, क्या इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू हमारे पास गिवन है 3×10⁻¹ कूलम, ई हमें पता है 1.6×10⁻¹ कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल बेटा, 3/1.6×10⁻¹ कितनी हो जाएगी बेटा, 12 ऊपर जाएगी। तो ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास ट्रांसफर हुई है। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, हमारे पास क्या कह रहा है कि 10^25 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ए पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 मिलीसेकेंड। बेटा ये ms का मतलब है मिलीसेकेंड। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस पॉइंट, हमें करंट बताना है। कह रहा कि किसी भी कंडक्टर में से 10^25 इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, कितने सेकंड में, 1 मिलीसेकंड में, तो हमें क्या बताना, करंट बताना। तो बेटा करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ क्यू गिवन नहीं है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके पास गिवन है तो आप क्या करोगे, वहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा कर क्या करोगे बेटा, क्या निकालोगे, टोटल चार्ज निकालोगे, टोटल चार्ज निकालोगे, टाइम आपके पास गिवन है तो आप निकाल सकते हो। तो पहले क्या निकाली तो क्या क्या होगा बेटा, क्या इजिकल टू एन ई अपॉन टी, एन की वैल्यू बेटा 10^25 इंटू ई की वैल्यू 1.6×10⁻¹ कूलम है बेटा ये, ठीक है। अब देखिए टाइम 1 मिलीसेकंड गिवन है बेटा, तो 1 मिलीसेकंड को जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो होगा बेटा 10^-3 1 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 10^-3 सेकंड बेटा ये होता है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दिया आपने, अब आप सोल्व कर सकते हो। तो आप सोल्व करोगे तो 1.6×, देखिए बेटा ये माइनस थ्री है, ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस, तो 28 में से 19 गए तो आपके पास जो होगी 9 आएगी बेटा, 10^9 कूलम पर सेकंड, ये सेकंड आएगा, कूलम पर सेकंड क्या होता है हमारे पास, एम्पियर होता है। तो आई हमारे पास आगा 1.6×10⁻¹ एम्पियर आ गया करंट बेटा। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज एग्जिस्टिंग इन ए रीजन, किसी रीजन में 2 एम्पियर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट क्रॉस ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 10 मिनट। कह रहा अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स क्या पूछा गया हमारे पास, ठीक है, दैट क्रॉस ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 10 मिनट, और टाइम हमारे पास टी कितना गिवन है, 10 मिनट है। तो आप पुट कीजिए वैल्यू क्या होगा, देखा आई इज इक्वल टू क्या है बेटा मेरे पास, क्यू बाई टी, क्यू हमसे पूछा गया है, तो क्यू क्या होगा मेरे पास, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी, आई कितना है 2 एम्पियर है मल्टीप्लाइड, और हमारे पास
टाइम देखिए बेटा, 10 मिनट है, 10 मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 into 60 ये सेकंड हो गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा, 6 12 और ये 200 कूलाम चार्ज, 1200 कूलाम चार्ज हमारे पास आ गया। तो हमारे पास बेटा 1200 कूलाम चार्ज आ गया, हमारे पास आंसर ये आ गया 1200 कूलाम। तो इसी तरह आपसे किसी भी तरह से बेटा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वो या तो चार्ज पूछ सकता है, या आपके पास टाइम पूछ सकता है, या करंट पूछ सकता है, या आपके पास एन की वैल्यू भी पूछ सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था आप लोगों को कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो आपकी जो NTSC वगैरह एग्जाम जितनी भी होती है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्रॉस ए पॉइंट 10^12 इलेक्ट्रॉन पर मिली सेकेंड क्रॉसिंग टूवार्ड्स लेफ्ट एंड 10^12 इंटू 3 प्रोटोन पर मिली सेकेंड टूवार्ड्स राइट, डिटरमाइन द करंट थ्रो दिस पॉइंट। बेटा सोचिए देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, एक बार सोचिए आपको। अक्रॉस ए पॉइंट 10^12 इलेक्ट्रॉन पर मिली सेकेंड क्रॉस टूवार्ड्स लेफ्ट, मीन्स कोई भी एक पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, मैं एक बार ये मान लो ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं 10^12 इलेक्ट्रॉन पर मिली सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड में 10^12 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ओके, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो प्रोटोन है, प्रोटोन जिसमें पॉजिटिव चार्ज, वो 3 × 10^12 जो प्रोटोन है 1 मिली सेकेंड में वो राइट की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, ओके। अब कह रहा है कि करंट बताइए कि पॉइंट पर कितना होगा। तो देखिए उन्होंने बेटा पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको करंट की डायरेक्शन, कि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो किस साइड होगी, पॉजिटिव कर रहे हैं तो किस साइड होगी। तो इसका मतलब आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। मैं यह दो मेथड से करवा रहा हूँ, एक तो सिंपल मेथड देखिए कि आई, आप सिंपली मेथड देखिए, I1 निकालिए, I2 निकालिए और फिर देखिए कि डायरेक्शंस किस साइड है और उसी को आप ऐड करके देखिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी होगा। तो देखिए जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ बेटा मैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो करंट की डायरेक्शन ये होगी, राइट की तरफ हो जाएगी ना, लेफ्ट की तरफ मूव इलेक्ट्रॉन मूव कर, अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन होगी डायरेक्शन, ओके। यहाँ पर प्रोटोन मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे राइट की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन भी राइट होगी। तो जो आई होगा वो क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का सम ही हो जाएगा ना, आई आई यहाँ से आई निकाल लेगा और यहाँ से आई निकालिए आप अलग अलग और आई को दोनों को सम कर दीजिए। तो देखिए आई मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू I1 + I2, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 देखिए बेटा 10^12 इलेक्ट्रॉन क्या वो मेरे पास गिवन नहीं, क्या आई इज इक्वल टू क्या बेटा मेरे पास, आई इज इक्वल टू क्या बाई टी, क्या गिवन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाइए, क्या इज इक्वल टू NE/T, तो NE/T एन की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू आपको पता है, तो आपके पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 10^12 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 अपॉन टी की वैल्यू मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड मीन्स 10^-3 सेकेंड, ये कूलाम, तो कूलाम पर सेकेंड एम्पेयर हो जाएगा। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 1.6 इंटू 10^ बेटा ये आएगा 15, 10^-4 हो जाएगी एम्पियर, ठीक है। इसी तरह आप I2 की वैल्यू निकालेंगे और I2 की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, मेरे पास टोटल I आ जाएगा, यह आपको खुद करना है। तो देखिए बेटा I1 निकाला आपने, I2 की वैल्यू आएगी 4.18 × 10^-4 एम्पियर, ठीक है, और आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 6.4 × 10^-4 एम्पियर आएगा। आप करके देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसका मतलब देखिए बेटा यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए कि ये मेरे पास मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इस साइड राइट हैंड साइड, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में +5 μC चार्ज 1 सेकेंड में टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 15 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम दोनों का सेम, ठीक, टाइम एक सेकंड मान लिया। तो अब आपसे मान लीजिए यहाँ पूछा जाए कि करंट क्या होगा, तो देखिए करंट में आपको डायरेक्शन देखनी है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो डायरेक्शन यही आएगी, तो आई वन जो होगा वो क्या होगा, यही सेम होगा, और इलेक्ट्रॉन्स मूव इस साइड कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी राइट साइड आएगी, तो आई टू, तो आई क्या होगा बेटा, आई वन प्लस आई टू दोनों का सम हो जाएगा हमारे पास।